हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले एक दो क्लासेस से प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर, कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसी में मैं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में जैसे हमने कि पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो पजल और सेटिंग के ही कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूँ। उसके साथ से लॉक्स के भी दो तीन क्वेश्चन लेके आया, क्योंकि आपने ओनली फ्यू की रिक्वेस्ट की थी, तो एक आध दो क्वेश्चन मैंने ओनली फ्यू के भी डाले हैं। मैं उसका कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है क्या? ये पजल का पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये एक पजल का क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई भी हमसे पूछेगा तो यहाँ पे फ्लोर की बात की जा रही है, ठीक है? मतलब अगर फ्लोर डायरेक्टली नहीं डाले तो इनडायरेक्टली फ्लोर बन रहे हैं। कैसे? 7%, देखो, 7% पी क्यू आर एस टी यू वी आर बोर्न इन अ मंथ ऑफ मार्च इन अ डिफरेंट ईयर। अलग अलग साल के मार्च महीने में पैदा होते हैं, मतलब महीना तो सेम है, बस उनका जो बर्थ ईयर है वो अलग अलग है, ठीक है? देयर एजेस आर कैलकुलेटेड ऑन द सेम मंथ विद रेस्पेक्ट टू 2018, मतलब 2018 के रेस्पेक्ट में उनके ईयर्स को काउंट करना है, ठीक है? चलिए चेक करते हैं क्या कह रहा है। इफ इट इज मेंशन्ड दैट पर्सन्स एज इज कंसीडर्ड एज द लास्ट टू डिजिट ऑफ अनदर पर्सन्स बर्थ ईयर, ठीक है? क्या बोला गया है? यदि किसी पर्सन की जो एज है वो किसी दूसरे पर्सन की जो ईयर है, एज ऑफ ईयर है, जैसे 19 कुछ एक्स वाई है, तो एक्स वाई के बराबर हो गया अनदर पर्सन्स बर्थ ईयर, देन इट विल बी एट एनी सीक्वेंस। तो वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द एज ऑफ एक्स इज कंसिडर्ड एज लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ वाई विच इज 1945, इसका मतलब वो 45 साल का है और उसकी बर्थ ऑफ ईयर वाई की क्या है, 1945, देन द एज ऑफ एक्स माइट बी आइदर 45 और 54। तो ठीक है, उसकी एज कुछ भी हो सकती है अगर ऐसा हुआ है तो। समझ में आ रही है बात? चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है अगर आप चेक करेंगे तो। नोट, नन ऑफ द पर्सन वर बोर्न बिफोर 1974 और आफ्टर 2008, मतलब 2008 के बाद कोई पैदा नहीं हुआ और 1974 के पहले भी कोई पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये मेंशन करने वाली बात है कि 1974 से 2008 के बीच में ही पैदा हुए हैं और जो कैलकुलेटिंग ईयर है वो है 2018। यहां तक बात क्लियर है सबको? चलिए अब आगे चल के देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। पी वॉज बोर्न इन 1998। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से होगा कि पी वॉज बोर्न इन 98, तो यहां पे हम चल लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि पी जो है वो तो बोर्न हुआ है 1998 में, तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं ईयर्स, ठीक है? यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं पर्सन, ठीक है? और तीसरी चीज जो अब पूछेगा, देखते हैं यहां क्या पूछी है उसने, एज, ठीक है? यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं एज जो कि उसने वहां पे पूछा। अब देखो क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड टी इज 5 ईयर। पी और टी के बीच की जो एज है वो कितने का डिफरेंस है? 5 साल का डिफरेंस है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या हो सकती हैं कि पी और टी की एज के बीच का डिफरेंस यदि 5 ईयर्स है और जो आपके पास में पी है वो 1998 में पैदा हुआ है, तो टी दो टाइम पे पैदा हो सकता है, 1993 में भी पैदा हो सकता है, ठीक है? और 2003 में भी पैदा हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है? इन दोनों में से कहीं पे भी वो पैदा हो सकता है। तो ये एक कंसेप्ट हमारे सामने आ गया। आर्स एज इज इक्वल्स टू द लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ऑफ द एज ईयर ऑफ टी। आर की जो एज है वो टी की बर्थ ऑफ ईयर की क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आर की दो एजेस हो सकती हैं, आर की दो एजेस हो सकती हैं, ये ध्यान रखना, टू एजेस हो सकती हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको ऊपर समझाया भी था जो उसने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? एंड हिज एज, और क्या दिया है, एंड हिज एज, एंड किसके लिए है, आर के लिए। हमेशा ध्यान रखना, पजल्स के अंदर जब भी दो स्टेटमेंट एंड से जुड़ते हैं तो एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, और दो स्टेटमेंट में यदि वो किससे जुड़ते हैं, विच से जुड़ते हैं या और से जुड़ते हैं, तो वो हमेशा लास्ट वाले पर्सन को इंडिकेट करता है। इसमें ये एंड से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब टी को नहीं, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर को। एंड आर्स एज इज नॉट एन इवन नंबर, और आर की जो एज है वो इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये टू एज जो है ये ऑड फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? ऑड फॉर्म में होंगे। यहां तक क्लियर है? चलो, यूज एज इज अ सी स्क्वायर नंबर, ठीक है? यू की जो एज है वो एक स्क्वायर नंबर है बिटवीन टीज एज एंड आर एज।
टी और आर की जो एज है उसके बीच का एक स्क्वायर नंबर है। देखो टी की एज क्या हो सकती है, अगर 1993 में पैदा होता है, इसकी देख लेते हैं पहले पी की। पी की एज क्या हो सकती है 2018 के हिसाब से, अगर मैं इसको देखूं तो 1999 और 2000, 2 साल तो ये हो गए, 18 वो हो गए, तो टोटल 20 साल तो ये हो गए, ठीक है। और अगर ये 93 में पैदा होता है तो 25 साल का हो गया, और अगर 2003 में तो 15 साल का हो गया, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, यू की जो एज है वो स्क्वायर नंबर है टी और आर की एज के बीच का, तो टी की एज 25 भी है और 15, इनमें से कुछ भी हो सकती है टी की एज, ठीक है, उसके और आर के बीच का, ठीक है। और आर की भी दो एजेस हैं और दोनों ऑड हैं, तो इसको हम होल्ड पे डाल देते हैं, इतना मेंशन कर देते हैं कि टी और आर के बीच में कौन है, यू है, टी और आर के बीच में कौन है, यू है। यहां तक क्लियर है। एस एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ वीज एज, एस की जो एज है वो वी की एज की हाफ है। अब देखो हुज आ गया, हुज किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो देखो एस एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ वीज एज, हुज एज मतलब वी की एज इज लास्ट टू डिजिट्स ऑफ यूज बर्थ ईयर, वी की जो एज है वो यू की जो आपके पास में बर्थ ईयर है उसकी लास्ट की टू डिजिट है। इसका मतलब जो यू की लास्ट की टू डिजिट होंगी उसमें से कोई सी भी दो हो सकती है, ठीक है, इधर उधर करके, ठीक है। और यू की एज के बारे में अभी हमें पता नहीं है, यहां तक हो गया। आगे चलो, द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड एस इज टू मोर, ठीक है, जो पी और ए की जो पी और एस की जो एज है इज टू मोर, पी और एस की जो एज है इज टू मोर देन द एज ऑफ क्यू, क्यू की जो एज है उससे दो ज्यादा है, पी और एस की जो एज है उनका सम। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, P और S की एज से, P और S की एज का जो सम है वो Q की एज से दो ज्यादा है, ठीक है। अब मिलाने की कोशिश करते हैं, देखो दो टेबल बन सकते हैं। पहली आता हूं जब मैं 93 मानता हूं, ठीक है, यदि मैं T को 1993 मानता हूं, एक तो ये हो गया, और एक मेरे पास में ये हो जाएगा कि यहां मैंने पर्सन माना, ठीक है, यहां मैंने ईयर माना और यहां मैंने एज माना, ठीक है। तो साथ साथ में दोनों को चलाता हूं, P की यदि एज मेरे पास में 1998 है तो इसकी एज हो कितनी गई 20 साल, इसकी एज कितनी हो गई 20 साल, इसके अकॉर्डिंग 25 साल, T की एज इसके अकॉर्डिंग यदि 2003 लेते हैं तो 15 साल, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब T के अकॉर्डिंग देखो इन्होंने क्या बनाया है, T के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि T की जो एज है, आर्स एज इज इक्वल्स टू द लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ टी, यदि बर्थ ईयर ऑफ टी आपके पास में 93 है तो आर अगर मैं यहां मेंशन करता हूं और आर यदि मैं यहां भी मेंशन करता हूं तो आर मेंशन करने पे आपके पास टी की लास्ट टू डिजिट जो है, आर्स एज इज इक्वल्स टू द लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ टी एंड हिज एज इज नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। R की पे आ जाते हैं, तो देखो R की एज T की लास्ट टू डिजिट, यही है लास्ट टू, तो या तो 39 हो सकती है या 93 हो सकती है, तो देखो 93 तो नहीं हो सकती क्योंकि जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो 1974 से 2008 के बीच के हैं, तो 93 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या होगी 39 होगी, ऑड चाहिए था ऑड मिल गया, ठीक है। और 39 होने के लिए उसको कब पैदा होना पड़ेगा, तो देखो 2018 के हिसाब से चल रहा है ना, तो 18 साल तो ये हो गए, ठीक है, 39 में से 18 साल ये हो गए, तो कितने बचे 11 और चाहिए, तो 11 हम कहां से उठा लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं 11 के लिए 1989 में कौन पैदा हो गया, आर 1989 में पैदा हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि टी आपके पास में 1993 में पैदा होता है तो आर कितना हो गया हमारे, सॉरी यहाँ पे 39 में से 18 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा ना, तो 21 के हिसाब से कितना आ गया 1979, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, ये हो जाएगा आपके पास में 1979, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 1979, ठीक है। तो 1979 में वो कितने का हो जाएगा 39 ईयर का हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 03 हो सकता है या तो, या फिर कितना हो सकता है, तो 03 तो नहीं होगा क्योंकि 2008 के बाद नहीं है, ठीक है, तो 30 हो सकता है, हाँ तो 30 हो सकता है, तो 30 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन 30 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 30 इवन नंबर है, तो देखो ये वाला डायग्राम तो गलती हो गया आपका, अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें चलना है क्योंकि आर ऑड था, यहां क्लियर है। तो जब यहां तक क्लियर है तो इसी डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने
अलग चीज बोल दी हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहां तक की बात क्लियर हो गई, हिज एज तक की बात। यूज एज इज स्क्वायर नंबर बिटवीन टी और आर की। देखो टी और आर की, टी आर की मुझे मिल गई 25 और 39, इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर नंबर है तो 36 हो सकता है, 36 हो सकता है, तो हम किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यू की एज की, नंबर है तो यू की एज 36 कब होगी। देखो 18 तो वहां से हो गई, 18 यहां से निकाल लो, 1982 यहां से 18 मिल गए और 18 वहां से मिल गए, तो 1982 में कौन पैदा हो जाएगा, यू पैदा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर आगे आ जाओ, अब आगे क्या बोल रहा है, एस एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ वीज एज हुज एज इज लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ऑफ यू। वी की एज ये लास्ट टू, देखो 82 तो हो नहीं सकता, तो 28 हो जाएगी, किसकी, V की एज 28 हो जाएगी। V की एज 28 है तो उसकी हाफ किसकी हो जाएगी, मतलब 14, 14 किसकी एज आ जाएगी हमारे पास में, इसकी हाफ है तो S, S की हाफ है तो S की एज क्या, 14, ठीक है, ईयर में लिख लूंगा, ठीक है, पहले मैं लिखता हूं। द सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड S इज टू मोर देन, तो बचा है तो P और किसकी बात की जा रही है, P और तो P और S की यदि मैं बात करता हूं तो दोनों की एज का एडिशन कितना है हमारे पास में, 20 तो P का है, S का 14 है, 34, और 34 से दो कम, मतलब 34 है P और S का और वो दो ज्यादा है Q से, इसका मतलब Q कितना है, 32, तभी तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो P और S उससे दो ज्यादा हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और अगर 32 है इसका तो इसका मतलब 1986 में वो पैदा होगा, ठीक है, 14 और 18 32, ठीक है, और यहां 14 है तो कहां पैदा हो जाएगा, S 2004 में पैदा हो जाएगा और V पैदा हो जाएगा 1990 में। ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यहां तक मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का था, नहीं है, इजी था क्वेश्चन, अच्छा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ S, तो आप बता सकते हो S की एज कितनी है, 14 ईयर्स है। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द बर्थ ईयर ऑफ यू, यू का बर्थ ईयर क्या है, 1982, तो यू का बर्थ ईयर आ जाएगा आपके पास में 1982। नेक्स्ट, इफ डब्ल्यू वॉज बॉर्न बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में डब्ल्यू पैदा होता है, ठीक है, देन वॉट इज द फॉलोइंग ऑन यू बर्थ ईयर ऑफ डब्ल्यू, तो 79 और 82 के बीच का कौन है, 80, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वॉट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ सेकंड यंगेस्ट एंड थर्ड एल्डेस्ट, सेकेंड यंगेस्ट कौन है, ये सेकेंड यंगेस्ट है, ठीक है, और थर्ड एल्डेस्ट कौन है, ये थर्ड एल्डेस्ट है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ सेकेंड एल्डेस्ट एंड थर्ड एल्डेस्ट, इसकी 14, तो 39 और 14 आपके पास में हो गया 53, तो आ जाएगा 53, मतलब नन ऑफ दीज। यहां तक मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यू इज यंगर देन R से, Q से छोटा है, बिल्कुल नहीं। T is 3 year elder than V, T V से 13 year बड़ा है, नहीं, 3 year छोटा है, T V से 3 year छोटा है, बड़ा नहीं है, T is 3 year elder, नहीं, छोड़ दो, आगे आओ, S is not younger, youngest person, S is not youngest person, following true, not the youngest person, यहां तक बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूं, ये आप सॉल्व करोगे, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्वेश्चंस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनके मैं सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, बात समझ में आ रही है सबको। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एक मिनट, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास में चलिए ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास में, आगे हम आते हैं तो हम सिलॉक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ओनली फ्यू का कंसेप्ट देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ओनली फ्यू की बात करता हूं तो ओनली फ्यू के इस कंसेप्ट के अंदर कुछ नहीं है। जब भी आप सम बोलते हो तो देखो सम में क्या होता है, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर आप यहां लिखोगे सम डॉग आर पैट, अगर आपने लिखा सम डॉग आर पैट, तो देखो जब आप सम डॉग आर पैट लिखते हो तो डायग्राम ये बनता है ना, सम डॉग आर पैट का, सम डॉग आर पेट है ना, तो इसके अंदर जब ये डायग्राम बनता है तो इसमें क्या होता है, सम डॉग आर पेट में एक पॉसिबिलिटी आ जाती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बताई भी थी, ऑल डॉग आर पेट इज अ
पॉसिबिलिटी, ये चीज क्या हो जाती है, राइट हो जाती है इस वाले स्टेटमेंट के लिए। यदि स्टेटमेंट होता है सम डॉग आर पैट, तो इस स्टेटमेंट के लिए ऑल डॉग आर पैट इज अ पॉसिबिलिटी राइट हो जाती है। आपको मैंने क्लास में बताया भी था, ठीक है, क्या कहा था कि इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, ये हो सकता है जिसमें एक में ही डॉग भी है और इसी में ही पैट भी है, बताया था, ठीक है। तो अगर बताया था तो अब देखिए, अब आते हैं हम ओनली फ्यू पे। यदि मैं सम की जगह लिख देता हूं ओनली फ्यू, यदि मैं सम की जगह क्या लिख देता हूं ओनली फ्यू, तो इसका मतलब उसने डेफिनेटली ये बात बोल दी कि अब आप बढ़ा नहीं सकते क्वांटिटी। ओनली फ्यू का मतलब हो गया कि अब आप बढ़ा नहीं सकते क्वांटिटी, मतलब वो जो कुछ की क्वांटिटी वो फिक्स हो गई है, अब उसका कोई और अल्टरनेटिव डायग्राम नहीं बन सकता, मतलब अब ये वाला डायग्राम नहीं बन सकता, मतलब अब ऑल डॉग आर पेट इज अ पॉसिबिलिटी कभी भी राइट नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, बस इतना सही है ओनली फ्यू, इतना बड़ा करने की ओनली फ्यू को जरूरत ही नहीं है। जब हम सम लिखते हैं या फ्यू लिखते हैं उस कंडीशन में ऑल डॉग इज अ पैट इज अ पॉसिबिलिटी राइट होता है, लेकिन जब हम फ्यू के साथ ओनली लगा देते हैं या सम की जगह ओनली फ्यू लगा देते हैं, तो इसका मतलब फिक्स हो जाता है कि अब बस इतने ही, इससे एक भी ज्यादा नहीं, मतलब ऑल तो कभी भी नहीं, इसका मतलब ऑल डॉग इज अ पैट इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही है, मतलब अब कहीं पे भी यदि पॉसिबिलिटी ऑल की बन के आती है तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज गलत हो जाएगी। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई थिंक आ रही होगी। तो चलिए फिर, अगर आ रही है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली फ्यू की ही कंडीशन दी गई है, तो चलिए चेक करते हैं इस कंडीशन को। तो देखो, जब मैं इस ओनली फ्यू का डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम सेम वही बनेगा जो हमारे पास होता है, डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन में चेंज आ जाएगा। दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा कि सर इस कंडीशन में अब मैं ऑल नहीं लगा सकता, ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकता, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ओनली फ्यू बनेगा वही डॉग आर पैट, लेकिन अब ये लॉक हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये लॉक है, ठीक है। ओनली फ्यू डॉग्स आर पैट, सम पैट आर मैन, इसको बढ़ा सकते हैं, ये लॉक नहीं है, इसको ऑल भी कर सकते हैं पैट के साथ, ठीक है। सम पैट आर मैन और नो मैन इज पर्सन, कोई भी मैन क्या नहीं है, पर्सन नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंक्लूजन नंबर वन पे आते हैं। सम पैट आर पर्सन, क्या कुछ पैट पर्सन हैं, संभावना की बात नहीं कर रहा, कुछ पैट पर्सन हैं, नहीं, गलत हो गया, ठीक है। चौथे पे आ जाते हैं फटाफट से, 20% पैट आर नॉट पर्सन, तो 20% किसकी कंडीशन बताती है, सम की, 20% किसकी कंडीशन बता रही है, सम की, सम पैट आर नॉट पर्सन, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये पैट है और कुछ पैट किससे जुड़ गए हैं, मैन से जुड़ गए हैं, और कोई भी मैन क्या नहीं है, पर्सन नहीं है, तो वो पैट जो मैन से जुड़ चुके हैं अब वो कभी भी क्या नहीं होंगे, वो पर्सन नहीं होंगे, ये निश्चित है, डेफिनेट है। इसका मतलब कुछ 20% मतलब कुछ सम सम पैट आर नॉट पर्सन, ये डेफिनेटली राइट है, उसने डेफिनेटली हमसे पूछा है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। सेकंड पे आते हैं, नो पर्सन इज पैट, तो दो नो पर्सन इज पैट की संभावना हो सकती है, डेफिनेटली हम नहीं कह सकते, डेफिनेटली पैट और पर्सन के बीच में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कुछ पैट पर्सन नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। अगर कोई ये लिख दे ना, 20% ऑफ पर्सन आर नॉट पैट, अगर कोई ये लिखता है ना तो ये भी गलत है, क्योंकि पैट किसके थ्रू किससे जुड़ रहा है, तो देखो पैट मैन के थ्रू पर्सन से जुड़ रहा है, लेकिन क्या ऐसा पर्सन के साथ हो रहा है, नहीं, क्योंकि पर्सन तो बिल्कुल अलग है, पर्सन किसी के साथ पैट से नहीं जुड़ रहा, लेकिन पैट की कंडीशन क्या बन रही है कि पैट जो पैट मैन के साथ फंस गए वो कभी भी पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे पर्सन पैट के अंदर जा सकते हैं, कौन से पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में जा सकते हैं जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ठीक है। तो 20% ऑफ पर्सन आर नॉट पैट गलत है, लेकिन 20% ऑफ पैट आर नॉट पर्सन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फ्यू मतलब सम होता है, तो फ्यू डॉग्स आर मैन, तो फ्यू डॉग्स आर मैन, तो यहां पे देखो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, फ्यू डॉग्स आर मैन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित रूप से तो ये चीज सही नहीं है, इसकी क्या राइट हो सकती है, पॉसिबिलिटी राइट हो सकती है। अब मैं आपको ओनली फ्यू का कंसेप्ट दिखाता हूं, एक और कंक्लूजन लिख के, हमने लिखा था ओनली फ्यू डॉग्स आर पैट, अब मैं लिखता हूं ऑल डॉग्स आर
इज अ पॉसिबिलिटी लिख दिया, लेकिन ये क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि यहां पे इनका रिलेशन किससे है, ओनली फ्यू से, मतलब अब इससे ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकता, और ऑल तो कभी भी नहीं हो सकता। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फोर्थ इज राइट, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये देख लो, क्या आपको कुछ देखने को मिल रहा है, पैट पर्सन दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में, सम पैट आर पर्सन, नो पर्सन इज पैट, और दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के अंदर सेम है। तो इसका आंसर यदि मैं बनाना चाहूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम लोन आर ग्राउंड, यहां कोई भी कंडीशन बाउंडेड नहीं है, ये ओवरलैप कर सकते हैं, ऑल ग्राउंड आर मैच, नो बैट इज लोन और सम मैच आर, ये वाला मान लेता हूं ये मैच ही था ना, सम मैच आर नॉट बॉल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात सबको? चलिए कोशिश करते हैं कुछ कंक्लूजन नंबर वन करने की। ऑल ग्राउंड आर लोन, क्या सारे ग्राउंड लोन है, नहीं, कुछ ग्राउंड लोन है बिल्कुल, लेकिन सारे ग्राउंड हमेशा लोन होंगे नहीं, उसकी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी। सम बैट आर नॉट बॉल, सम बैट और बॉल, देखो बैट और बॉल का तो कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट ट्रेवल करके ऐसे जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी तो कोई डेफिनेट कंडीशन आ नहीं सकती, इसका मतलब सम बैट आर नॉट बॉल तो गलत ही हो गया, लेकिन हाँ इसकी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल बैट आर बॉल, तो ऑल बैट आर बॉल की भी क्या हो सकती है, केवल पॉसिबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका मतलब अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो देखो, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल, यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है सम नॉट, यहाँ पे भी बैट बॉल की बात हो रही है, यहाँ पे भी बैट बॉल की बात हो रही है, और दोनों कंक्लूजन गलत है। इसका मतलब अगर मैं इसका आंसर लगाने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ईदर सेकेंड और थर्ड इज आंसर। मेरे हिसाब से बात सबको समझ में आ गई होगी। और ये थर्ड क्वेश्चन है एक और ओनली फ्यू का, ये आप करोगे, मैं आपको ओनली फ्यू का कंसेप्ट बता चुका हूं कि इसमें ऑल की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनती है, हमेशा इनके बीच में सम का रिलेशन ही रहेगा और वो लॉक रहेगा, ठीक है, वो लॉक रहेगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक और स्लाइड लेके आएंगे, और किसी को कोई पजल समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसे सॉल्व करवा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।